हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शिक्षित कैसे हैं आप सब आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और सबकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी ई e की कोरोना में बहुत से लोग आलसी हो गए हैं तो आई होप आप लोग उन आलसी लोगों में नहीं होंगे तो फ्रेंड्स क्लास शुरू करने से पहले एक बहुत जो थॉट मेरे माइंड में आया था मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा हर जगह पर आपने सुना होगा बातें हो रही हैं सोशल डिस्टेंसिंग की ठीक है पर मेरे हिसाब से एक चीज जो है जो जिसके बारे जितना ही इम्पोर्टेंट है अब इकोनॉमी खुल रही है लॉकडाउन हमेशा के लिए नहीं रह सकता लॉकडाउन को हटाना पड़ेगा तो लॉकडाउन जब हट रहा है तो आप लोग काम पे जाओगे आपके घर वाले काम पर जाएंगे वहां पे और भी लोग काम पर आएंगे अब एक दूसरे पे हमें ट्रस्ट करना होगा कि अगर इसके घर में कोई बीमार है इसके घर में किसी को जुकाम है किसी को खांसी है तो ये बता देगा यहाँ पर ऑफिस में आके सबको या ये ऑफिस से छुट्टी ले लेगा सेम चीज आपके साथ होनी चाहिए अगर आपको हल्का सा भी बुखार या जुकाम है चाहे वो किसी वजह से है जरूरी नहीं है कि कोरोना की वजह से ही बुखार या जुकाम होता है वैसे भी होता है लेकिन ताकि वो डर ना बने दूसरे के दिमाग में आप बता दो कि भैया मेरे को बुखार और जुकाम है मैं आज ऑफिस नहीं आ रहा या अगर आपके घर में भी किसी को बुखार और जुकाम है तो जो आपके साथ काम कर रहा है वो डिजर्व करता है इस बात को जानना ठीक है तो एक सोशल ट्रस्ट आप लोगों को अपने अंदर बिल्ड करना है आप दूसरे के साथ ईमानदारी बरतोगे तभी दूसरा आपके साथ ईमानदारी बरतेगा ठीक है ना चलिए तो आज हम बच्चों बात करेंगे ट्रस्टीशिप थ्योरी ऑफ महात्मा गांधी महात्मा गांधी ने जो ट्रस्टीशिप तो थ्योरी दी थी इससे पहले हम चार लेक्चर्स देख चुके हैं थ्योरीज ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म की उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज देखी मार्क्स की थ्योरी देखी वेब्स की थ्योरी देखी हॉक्सीज थ्योरी देखी डिफरेंट डिफरेंट हमने थिंकर्स की थ्योरी देखी और उन सब थ्योरीज में जैसे कि मैंने आपको बताया आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले तो आपको थ्योरी पता होनी चाहिए कि कौन सी थ्योरी किसने दी है गिवन बाय होम ठीक है दूसरा आपको ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि थीम क्या है उस थ्योरी की इससे ज्यादा को, मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता पेपर में ठीक है चलिए आज के लेक्चर में सबसे पहले हम देखते हैं एमसीक्यू पिछले लेक्चर से और फिर ट्रस्टीशिप थ्योरी की बात करेंगे महात्मा गांधी की क्वेश्चन आपके सामने आएगा वीडियो को पॉज करके उसको एक मिनट सोच के आंसर करने की कोशिश करेंगे उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे पहला क्वेश्चन एनवायरमेंटल थ्योरी ऑफ लेबर मूवमेंट वॉज गिवन बाय एज सिंपल एज दैट अगर आपने 2017 का ईपीएफओ का पेपर उठाकर देखा है तो सीधा सीधा इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि बताओ भैया ये पर्टिकुलर कंसेप्टे पर्टिकुलर थ्योरी किसने दी और जो बच्चा यूपीएससी ईपीएफओ का पेपर देने जा रहा है 2020 का और उसने अभी तक दो का पेपर नहीं देखा तो उसने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती करी है वो तैयारी उसकी जो है अधूरी रहेगी जब तक वो चाहे जितना मर्जी पढ़ ले जब तक वो पेपर नहीं देख लेता तो दो का पेपर जरूर देख लेना आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर भी इस पेपर को देख सकते हो विद डिटेल्ड सोल्यूशन आपको जो है ये पेपर प्रोवाइड कराया गया है तो वहां जाइए वहां पर आप इसको सॉल्व कीजिए पहले ठीक है हमारा जो है टेस्ट सिस्टम में जाकर इसको सॉल्व कीजिए खुद को इवेलुएट कीजिए कि पिछले बार के एग्जाम के हिसाब से आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं आप अपनी तैयारी को जज करिए उसके हिसाब से आप जो है ये देख पाएंगे कि कितना आपको और एफर्ट डालने की जरूरत है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा वहां पर चलिए तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों जॉन आर कॉमन्स कॉमन्स भाई साहब ने आपकी जो है इन्वायरमेंटल थ्योरी ऑफ लेबर मूवमेंट जो है वो दी थी आंसर हो जाएगा बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द पर्लमेन स्केर कॉन्शियसनेस थ्योरी पर्लमे की जो थ्योरी थी स्केर कॉन्शियसनेस अब देखो यहां पर भी सीधा सीधा एक फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि भैया स्केर कॉन्शियसनेस थ्योरी किसने दी या पर्लमैन ने कौन सी थ्योरी दी उसमें तो नीचे चार थ्योरियों के नाम दे देते हैं इन्वायरमेंट थ्योरी इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी थ्योरी फंक्शनल क्लासिफिकेशन थ्योरी स्केयर कॉन्शियसनेस थ्योरी तो आप कह देते भैया पर्लमैन ने स्केर कॉन्शियसनेस थ्योरी दी सिमिलरली स्केयर कॉन्शियसनेस थ्योरी किसने दी उसमें चार नाम दे देते नीचे उसमें आप क्या देते पर्लमैन ने दी तो इस तरह से क्वेश्चन की जो है वेरिएशन बन सकती है दो क्वेश्चन इस तरह से और यहाँ पर बन सकते थे अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया जो पर्लमैन ने स्केरसिटी कॉन्शियसनेस थ्योरी दी थी उस थ्योरी के हिसाब से इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं है जो यूनियन एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है यूपीएससी ट्रू और नॉट ट्रू इसमें बहुत खेलती है बच्चों की भावनाओं के साथ तो आपने अपनी भावनाओं के साथ नहीं खेलने देना यूपीएससी को इन चीजों में ठीक है तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए कह रहा है रेजिस्टेंस पावर ऑफ कैपिटलिज्म बी कह रहा है रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल सी कह रहा है डिग्री ऑफ मेच्योरिटी ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म और डी कह रहा है कि भैया सारे ही प्रपोज फैक्टर थे ऑल ऑफ द वर प्रपोज फैक्टर्स ठीक है बताइए इसमें क्या आंसर होगा चलिए तो इसमें आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी ये सारे ही फैक्टर्स जो थे वो प्रपोज किए हुए थे अब कई बच्चों के दिमाग में सवाल आएगा कि सर आपने तो कहा था नॉट वन ऑफ द फैक्टर तो ये सारे फैक्टर थे और ऑप्शन डी क्योंकि आपका ये कह रहा है कि ऑल वर प्रपोज फैक्टर्स तो ऑटोमेटिकली वो स्टेटमेंट ठीक होगी कई बार इस तरह के कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऐसे कंफ्यूजिंग ऑप्शन बनाए जाते हैं जहां पर बच्चे अपना आइंस्टाइन जैसा दिमाग इस्तेमाल करें और आंसर गलत कर दें तो आपने अपना आइंस्टाइन वाला दिमाग यूज नहीं करना जो लिखा गया है सीधा सीधा उसके हिसाब से जवाब दे देना आंसर हो जाएगा डी चलिए अब बात करते हैं बच्चों महात्मा गांधी की ट्रस्टीशिप थ्योरी की आपने हिस्ट्री में भी जिन बच्चों ने हिस्ट्री पढ़ लिया है हिस्ट्री में भी जब हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते हैं तो, तो महात्मा गांधी की दो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जनरली और उनमें से एक थ्योरी तो आपकी ट्रस्टीशिप थ्योरी है और दूसरी थ्योरी है आपकी उस आपकी सर्वोदया की अभी जो सर्वोदया की थ्योरी है बच्चों और ये ट्रस्टीशिप की थ्योरी ये दोनों हैंड इन हैंड चलती हैं आप ट्रस्टीशिप थ्योरी और सर्वोदया थ्योरी जो महात्मा गांधी थी इनको अलग नहीं कर सकते क्योंकि ट्रस्टीशिप थ्योरी जब इंप्लीमेंट होगी तभी सर्वोदया थ्योरी भी इंप्लीमेंट हो सकती है अब सर्वोदया थ्योरी बेसिकली थी क्या अगर आप ये वर्ड देखो सर्वोदया इस वर्ड को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो सबसे पहला है सर्व और फिर आ जाता है उदया सर्व इज फॉर एवरी वन सर्व क्या हो गया एवरी वन एंड उदया क्या हो गया राइज सो एवरी वन राइस इज इक्वल टू सर्वोदया अब ये बेसिकली ये जो सर्वोदया की थ्योरी है ये क्या अटेम्प्ट करती है बेसिकली अटेम्प्ट करती है आपका क्लास हारमनी ठीक है जो कैपिटलिस्ट क्लास है और जो वर्किंग क्लास है उनके बीच हारमनी लाने का जो इसका है मेन कंसेप्ट रहता है सर्वोदय थ्योरी का ऑल right. तो महात्मा गांधी ने क्या प्रपोज किया मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली दिख सके चलिए तो महात्मा गांधी ने क्या प्रपोज किया कि भैया जो ट्रेड यूनियंस हैं ये सिर्फ और सिर्फ क्लास स्ट्रगल करने के लिए नहीं है कि भैया वेजिज के लिए स्ट्रगल कर लिया या वर्किंग कंडीशन के लिए स्ट्रगल कर लिया ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो जायज वेजेस हैं उनके लिए आपको स्ट्रगल करना चाहिए जो एसेंशियल वर्किंग कंडीशंस है जो हेल्दी वर्किंग कंडीशंस है उसके लिए आपको स्ट्रगल करना चाहिए लेकिन महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि सिर्फ इस पर्पस के लिए ट्रेड यूनियन नहीं बन रही एक तो होता है ना कि सिर्फ भैया हमें तो वेजेस बढ़वाने से मतलब है और वर्किंग कंडीशन से मतलब है उसके अलावा हमें किसी चीज से मतलब नहीं है तो यहां पर क्या कहते हैं महात्मा गांधी कि भैया सिर्फ वेजेस और वर्किंग कंडीशन इंप्रूव करना तुम्हारा काम नहीं है तुम्हें एज अ रिफॉर्मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रिफॉर्म लाने के लिए काम करना है ठीक है और तुम्हें इस बिलीफ के ऊपर काम करना है कि जो लेबर क्लास है और जो कैपिटल क्लास कैपिटलिस्ट क्लास है वो दोनों एक साथ हारमनी में पीस में रह सकती हैं जरूरी नहीं है कि दोनों एक दूसरे से हमेशा ऑपोजिंग वे में ही एक्ट करें दोनों एक साथ रह सकते हैं तो एक रिफॉर्मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के वे में तुम्हें एक्ट करना है नॉट मेयरली एन ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर वेज इंप्रूवमेंट एंड वर्किंग कंडीशन इंप्रूवमेंट ऑफ लेबर क्लास डिस्क्रिप्शन में, में लिंक पर क्लिक करो वेबसाइट के ऊपर जाओगे वहां पर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी मिल जाएगी तो लिखने में ध्यान मत लो अभी सिर्फ सुनने में एज इट इज पीडीएफ मिल जाएगी ओके चलिए तो यूनियंस को किस लिए काम करना है एक रिफॉर्मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन करके एक रिफॉर्मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह उन्हें वर्कर्स की अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना है और उनकी ऑलराउंड डेवलपमेंट में काम करना है अब वेजेस बढ़ा देने से ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं होती ऑलराउंड डेवलपमेंट कैसे होगी तुम उनको पढ़ाओ ठीक है एक्स्ट्रा स्किल्स उनको सिखाओ ताकि वो जब अनसर्टेनिटीज आए और जब पीरियड ऑफ हार्डशिप आए तब वो सर्वाइव कर सके समझ रहे हो आप उन्हें नए नए स्किल्स सिखाओ ताकि अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है तो जॉब वर्कर नए स्किल्स नहीं सीख रहा वो बाहर हो जाएगा उसको इंडस्ट्री बाहर निकाल देगी फैक्ट्री वाला बाहर निकाल देगा कि भाई तेरी जगह तो मशीन आ गई तेरा काम तो मशीन कर लेगी तेरे को क्यों रखू मैं तो उसके पास नए स्किल्स होएंगे वो फैक्ट्री वाले को जाके कहेगा कि बेटा ऐसा है तेरे पास मशीन तो आ गई लेकिन ये काम अभी भी मैं कर सकता हूं जो मशीन नहीं कर सकती वो कैसे होगा कि भैया स्किल्स आते हैं मेरे को और भी स्किल्स है मेरे पास समझ रहे हो तो उनको स्किल्स सिखाओ ताकि जब हार्डशिप आए जब अनसर्टन टाइम आए तब वो उस पर एक्ट कर सके एक रिफॉर्मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करना है ठीक है तो महात्मा गांधी ने अपनी ट्रस्टीशिप थ्योरी में आगे क्या कहा ये तो सर्वोदया की बात हो गई और यूनियंस की बात हो गई कि यूनियंस को क्या करना है ट्रस्टीशिप से ही सर्वोदय होगा राइज ऑफ एवरीवन कैसे वो भी बताता हूं अभी अब ट्रस्टीशिप थ्योरी में बेसिकली महात्मा गांधी क्या बोलते हैं कि जो रिसोर्सिज हैं उन पर सबका हक है अब अगर किसी चीज पर सबका हक है अब फॉर एग्जाम्पल अर्थ में से कोई रिसोर्स निकला ठीक है अब रिसोर्स के ऊपर कोई नाम लिखा होता है क्या जो पृथ्वी में से लोहा अगर आपने निकाला उस पर नाम लिखा होता है क्या कि यह एबीसी बंदे का या ये एक्स वाई जेड बंदे का उस पर तो किसी का नाम नहीं लिखा तो मतलब क्या है वो नेचुरल रिसोर्स सबका है हर इंसान का है ठीक है तो महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि ये जो रिसोर्सेज हैं ये किसी पे किसी का हक नहीं है किसी की जागीर नहीं है ये सबका है और इसको सबने शेयर करना है ठीक है और वेल्थ उनकी होती है जो जनरेट करते हैं अब सिर्फ कैपिटलिस्ट जो मालिक है सिर्फ क्या वो वेल्थ जनरेट कर रहा है नहीं वेल्थ कौन जनरेट कर रहा है उसके फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं जो लेबर क्लास है जो है, जो वर्कर क्लास है जो उसका है उसका स्टाफ क्या वो मेहनत नहीं कर रहे क्या वो प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे क्या अकेला मालिक सारी प्रोडक्शन कर सकता है नहीं वर्किंग क्लास प्रोडक्शन कर रही है तो जो प्रोडक्शन कर रही है उसका उस पर हक है वो उसकी वेल्थ है अगर वो प्रोडक्शन में भागीदार है और वो वेल्थ वर्कर क्लास की है तो आपको आप ये नहीं कह सकते कैपिटलिस्ट ये नहीं कह सकता मालिक यह नहीं कह सकता कि इस पर सिर्फ मेरा हक है उस पर सबका हक है उस पर सबका हक है सो दस द वन हु इज नॉट द ओनर बट द ट्रस्टी अब जो मालिक है वो रिसोर्सिस को कंट्रोल कर रहा है ठीक है लेकिन महात्मा गांधी क्या कहते हैं लेकिन वो ओनर नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रस्टी है जो उन चीजों को संभाल रहा है उस पर उनका हक नहीं है वो उनकी नहीं होगी क्योंकि प्रोडक्शन कौन कर रहा है लेबर क्लास कर रही है तो क्योंकि क्योंकि अगर वो सिर्फ ट्रस्टी है तो ट्रस्टीशिप थ्योरी क्या इंप्लाई करती है स्टूअर्टिप स्टूअर्टशिप क्या होती है कि आप किसी चीज के सुपीरियर हो या किसी चीज के मैनेजर हो आप उसकी बस मैनेजमेंट कर रहे हो ठीक है मैनेजर क्या करता है मैनेजमेंट करता है मैनेजर ओनर नहीं होता ठीक है तो आप जब आप उसकी सिर्फ मैनेजमेंट कर रहे हो तो आप एक तरह से ट्रस्टी हो गए उस चीज के महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट है जो ओनर बन रहा है ना वो ओनर नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रस्टी है ठीक है और ये ट्रस्टी किन लोगों का है ये ट्रस्टी है उन लोगों का जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है फॉर मेकिंग रिटेंशन एंड एनहेंसमेंट ऑफ इस कैपिटल ठीक है अगर अब एक कैपिटलिस्ट है उसके पास कॉटन है बहुत सारा किसी काम का नहीं जब तक इसको क्लॉथ नहीं बना दोगे शर्ट नहीं बना दोगे पेंट नहीं बना दोगे या कोई और कपड़ा नहीं बना दोगे आज के टाइम में मास्क नहीं बना दोगे, और वो मास्क कौन बना रहा है वो उसकी -class बना रही है। उसको बढ़ा करके एक यूज प्रोडक्ट की फॉर्म में लेकर आ रहे हैं यूजफुल प्रोडक्ट की फॉर्म में लेकर आ रहे हैं ओके तो गांधी जी क्या कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट है जो ओनर है उसको अपने लिए बहुत मिनिमम बहुत मिनिमम वेल्थ रखनी चाहिए और बाकी का जो है जो उसको इनकम जनरेट होती है वो ट्रस्ट में बांट देनी चाहिए ताकि सबका भला हो सके अब इस ट्रस्टीशिप की थ्योरी से ही सर्वोदय होगा बच्चों ठीक है क्योंकि इनइवालिटी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी शोषण धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा अभी क्या होता है कैपिटलिस्ट जिसकी फैक्ट्री है वो तो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है और जो वर्किंग क्लास है जो उसकी अगर फैक्ट्री में कोई लेबर क्लास बंदा काम कर रहा है उसको वो पांच हजार रुपए दे रहा है महीने के दस हजार रुपये दे रहा है उसमें भी उतना एहसान उसके ऊपर झाड़ेगा कि पता नहीं उसके नाम उसने अपनी प्रॉपर्टी कर दी हो ठीक है एक जगह और उसी के एफर्ट से वो इनकम अर्न कर रहा है ठीक है इनइक्वालिटी बढ़ रही है लेकिन अगर वही कैपिटलिस्ट जो रेवेन्यू वो अर्न कर रहा है उसमें से कुछ हिस्सा अपने लिए रख के बाकी का अगर अपने बंदों में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा तो क्या होगा राइज होगा सबका सबके हाथ में पैसा आएगा सबके हाथ में रिसोर्सेज आएंगे तो सर्वोदय हो जाएगा तो ट्रस्टीशिप की जो थ्योरी थी इट इज अ प्रोसेस टू अचीव द रिजल्ट टू अचीव द गोल ऑफ सर्वोदय ट्रस्टीशिप थ्योरी सर्वोदय गोल को अचीव करने का एक जरिया है ठीक है अब महात्मा गांधी ने कुछ और बातें भी बोली वर्कर्स के रिलेटेड और लेबर क्लास से रिलेटेड महात्मा गांधी कहते हैं कि जो वर्कर्स है ना उनको पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए ठीक है ही वॉज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन पॉलिटिक्स इसके पीछे महात्मा गांधी कारण क्या देते हैं कि देखो ये जो वर्कर क्लास है जो वर्किंग क्लास है इट इज नॉट दैट अविकंड ठीक है पॉलिटिक्स में जाने के लिए आपको दीन दुनिया की खबर होनी चाहिए देश की खबर होनी चाहिए ठीक है आपको पता होना चाहिए कि देश में क्या क्या चल रहा है देश की प्रॉब्लम्स क्या है देश के हालात क्या है ठीक है तो अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी जो ये वर्कर्स हैं दे आर नॉट दैट फॉर द पर्पज ऑफ पॉलिटिक्स और क्योंकि इनका लेवल ऑफ जो नॉलेज है और लेवल ऑफ लिटरेसी है वो भी लो था उस टाइम की सिचुएशंस के हिसाब से जब गांधी जी ने ये थ्योरी दी और आज भी कहीं हद तक कि जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स है ना वो इनको एक्सप्लॉइट करेंगे अपने वोट बैंक के लिए अपने इंटरेस्ट के लिए आप आज भी देख रहे होंगे आप ट्रेड यूनियंस होती हैं इंडिया में आप देखो जितनी भी इंडिया में मेजर ट्रेड यूनियंस हैं चाहे वो आपकी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस हो चाहे वो आपकी इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस हो चाहे वो आपकी भारतीय मजदूर सभा हो ये सारी की सारी ट्रेड यूनियंस जो है ना किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलियेटेड है और जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना ये इनको अपना उल्लू सीधा करने के लिए यूज करती हैं अपना वोट बैंक पॉलिटिक्स की तरह यूज करती हैं ठीक है ये पॉलिटिकल पार्टीज ये नहीं देखती कि हमें इनका भला करना है हमें इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का भला करना है उनका मेन मोटिव होता है कि किस तरह से वो उन उसके मेंबर्स को यूज कर सके अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए और यही चीज महात्मा गांधी ने काफी पहले हाईलाइट कर दी थी कि अगर ये ट्रेड यूनियंस और ये वर्किंग क्लास लोग जो है पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बनेंगे तो इनको एक्सप्लॉइट किया जाएगा क्योंकि ये खुद तो इतने ज्यादा अविकंड है नहीं कि ये चीज समझ सके ये इनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो महात्मा गांधी जी वो स्ट्रिक्टली अगेंस्ट अब देखो स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी जो अगला क्लास होगा तब हम इस पर्टिकुलर लेक्चर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अगर आप में से किसी को इस वाले फॉर्मेट से प्रॉब्लम है कि सर आप एक दिन पहले क्लास कराते हो अगले दिन उस क्लास के क्वेश्चंस कराते हो तो मैं वो पैटर्न चेंज कर सकता हूं अगर आपको ये चाहिए कि जो क्लास है उसी के साथ साथ उसके क्वेश्चंस करा के दिखाऊं तो वो भी कर सकते हैं कमेंट में बता देना ठीक है तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भैया महात्मा गांधी जो थे वो अगेंस्ट थे वर्कर पार्टिसिपेशन में पॉलिटिक्स के या उसके साथ थे तो आप उसका आंसर कर दोगे कि भैया अगेंस्ट थे ओके उसके बाद जब हम गांधी जी की बात करते हैं गांधी जी की आइडियोलॉजी की बात करते हैं ट्रस्टीशिप और सर्वोदय की तो कुछ पॉइंट्स आते हैं जो गांधी जी और मार्क्स के को डिफरेंशिएट करते हैं तो देखो गांधी जी काफी सेंस में डिफरेंट थे मार्क्स से पहले तो मार्क्स जो था वो बिलीव करता था डिस्ट्रक्शन में कंप्लीट डिस्ट्रक्शन वो कहता था कि कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर को आप जो है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दो और इसके लिए मार्क्स कह रहा था अगर आपको वॉलेंट मीनस भी यूज करने पड़े तो आप कर सकते हैं तो महात्मा गांधी ने पहली बात तो कही कि देखो कैपिटलिस्ट और वर्कर्स दोनों को हारमनी में रहना है एक साथ इसका मतलब क्या हुआ कि कैपिटलिस्ट महात्मा गांधी कभी भी अगेंस्ट नहीं थे कैपिटलिस्ट को डिस्ट्रॉय करने के दूसरी बात महात्मा गांधी वॉज है महात्मा गांधी क्या कहते थे अगर कैपिटलिस्ट एक्सप्लोइटेटिव भी हैं तो आप, आप इनको रिफॉर्म करो आप इनके अंदर की अच्छाई लेकर आओ बार ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इनको मार दो ठीक है

रिजॉर्ट होना चाहिए लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए आपका जब आपके सारे पीसफुल नेगोशिएशन या कंसीलिएशन आर्बिट्रेशन ये सब आप एग्जॉस्ट कर चुके हो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन नेगोशिएशन कंसीलिएशन एंड आर्बिट्रेशन विल बी अंडरस्टैंडिंग दैट वेन विल बी यू नो गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर्स ऑफ लेबर लॉ तो पीसफुल नेगोसिएशन्स के लिए महात्मा गांधी ने कहा क्या कहा कि पहले आप जाइए बात कीजिए आराम से जो इम्प्लॉयर्स का इम्प्लॉयज का जो भी हेड है वो इम्प्लॉयर्स के पास जाए उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताए उनके साथ बात करने की कोशिश करे उनकी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करे एक मिडल ग्राउंड पे आने की कोशिश करे अल्टीमेटली अगर ये सब चीज़ें फेल हो जाती हैं उसके बाद आप स्ट्राइक करें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कोई प्रॉब्लम आई और कल आपने स्ट्राइक कर दी उससे आपका भी नुकसान है महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि देखो अगर फैक्ट्री ओनर का नुकसान हो रहा है तो उसमें आपका भी नुकसान हो रहा है क्योंकि अगर प्रोडक्शन नहीं होगी आपने प्रोडक्शन रोक दी तो जो ओनर है ये इनकम नहीं अर्न करेगा नो no इनकम और अगर वो इनकम नहीं अर्न करेगा तो वो आपको वेजेस कैसे देगा तो जो पहले वेजेस मिल रही थी वो भी नहीं मिलेंगी आप बढ़वाने की क्या बात करोगे ठीक है तो लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए स्ट्राइक ही बिलीव दैट रिस्पेक्ट फॉर म्यूचुअल राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैन सेटल ऑल डिस्प्यूट अगर लेबर जो है और जो कैपिटलिस्ट हैं वो एक दूसरे के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रिस्पेक्ट कर सकते हैं तो बातचीत से ही मसला सुलझ जाएगा आपको स्ट्राइक जैसे जो एक्शन हैं वो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है इसके अलावा गांधी जी ने एक और कंसेप्ट ऐड किया दैट वॉज ऑफ सोशल ट्रस्टीशिप सोशलिज्म एंड स्टेट रेगुलेटेड ट्रस्टीशिप ठीक है स्टेट रेगुलेटेड ट्रस्टीशिप क्या था कि स्टेट ऐसे लॉज बनाए जिसकी वजह जिससे कोई भी अपने पास सारे का सारी इनकम ना रख सके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो जो भी कैपिटलिस्ट है वो अपनी जो लेबर है उसके साथ अपना जो इनकम है वो शेयर करे उसके लिए स्टेट ऐसे लॉज बनाए ठीक है थीके? तो स्टेट रेगुलेटेड ट्रस्टीशिप या जिसको आप सोशल ट्रस्टीशिप भी कह सकते हो उसकी बातें भी यहां पर इन्होंने की और इन्होंने अहिंसा और नॉन वायलेंस पीसफुल कंडक्ट ऑफ रिलेशन पॉजिटिव कॉपरेशन इन सब चीज़ों की बात की जो अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं दोनों लेबर और के बीच में यह सब बातें की तो ठीक है दोस्तों महात्मा गांधी की ट्रस्टीशिप थ्योरी यहीं तक हमने समझनी थी इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में आपके लिए लेकर आऊंगा ठीक है नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियंस ट्रेड यूनियंस भी अलग अलग टाइप्स की होती हैं तो उन ट्रेड यूनियंस को टाइप्स डिस्कस करने की कोशिश करेंगे तो पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा लेक्चर के बाद लेक्चर देखने के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी वेबसाइट के ऊपर इजीली डाउनलोड कर लो और फालतू लिखने विखने के टंटे रहो टाइम बहुत कम है उसकी जगह पढ़ाई कर लेना और इसके अलावा आपके बहुत अच्छे अच्छे कॉम्बो कोर्सेज हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर एम के उसमें आपके लॉ के भी एम हैं आपके गैप के भी एम हैं जनरल साइंस के भी एम हैं और साथ ही साथ इनमें कॉम्बोज भी हैं सोशल सिक्योरिटी के आपको मिल जाएंगे एमसीक्यूज तो आप ये सारे एम सी क्यूज वहाँ पर जाकर एक्सप्लोर कर सकते हो बहुत डिटेल सोल्यूशन के साथ और बहुत अच्छे एम हमने वहाँ पर बनाए हैं तो अभी के लिए आपसे चाहूँगा कि मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग सो थैंक यू वेरी मच ऑल द बेस्ट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना उससे बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे उसके अलावा आपकी विंडो पे आपको अब दिख रहा होगा आपका गैप का प्लेलिस्ट और इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ का प्लेलिस्ट तो वो प्लेलिस्ट में आप बाकी के वीडियोस भी देख सकते हो सो थैंक यू वेरी मच ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय